पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विवादित बयान दिया है। इसे लेकर सियासी घमासान मच गया है। राबड़ी देवी ने भी पलटवार किया है। अश्विनी चौबे ने पूर्व सीएम को घूंघट में रहने की सलाह दी है। उन्होंने राबड़ी देवी को कहा कि भाभी जी घूंघट में रहिए, आपके लिए बेहतर होगा। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अश्विनी चौबे को जवाब दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि यह देश की महिलाओं का अपमान है। पूर्व सीएम ने सवाल पूछा कि क्या अश्विनी चौबे बीजेपी की महिला नेताओं से घूंघट में रहने के लिए कहेंगे। अश्विनी चौबे के बयान पर राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है और यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्या अश्विनी चौबे बीजेपी के अंदर जो महिलाएं हैं उन्हें भी घूंघट में रहने की सलाह देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर विवादित टिप्पणी की। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पलटवार किया। कहीं कोई फूट नहीं है। बीजेपी, जदयू और लोजपा एक चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, वो दिखाई पड़ रहा है पहले फेज में भी। राबड़ी देवी बोल रहे हैं। अरे भाई, राबड़ी देवी जी को क्या कहिएगा, वो तो भाभी जी है। मैं कहूंगा कि आप घूंघट में ही रहिए। अश्विनी चौबे जो बोल रहे हैं महिलाओं पर जो आरोप लगा रहे हैं कि महिला चूल्हा चौका देखे घूंघट में रहे, तो हम देश के महिलाएं के पूरा अपमान है। पूरा देश के महिलाओं पर ये अपमान लगा रहे हैं कि फील्ड में ना आवे, राजनीति में ना आवे, जब में ना आवे। ये अश्विनी चौबे के का नाम है, बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इस तरह के महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। ये हमारे राबड़ी देवी पर आरोप नहीं है, पूरा देश के महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं कि घूंघट में रहिए, घर में रहिए, घर संवारिए। तो हम पूछना चाहते हैं चौबे जी से कि देश भर में उनका बीजेपी में महिलाएं जितना है, तो उनको कहेंगे घूंघट में रहने के लिए, बाहर नहीं निकलने के लिए? और बाहर ना निकले, अपना घर संभारे, और जब में भी है वो भी महिलाएं हैं, जब करती हैं, अपना घर चलाती हैं, रोजी रोटी अपना कमाती खिलाती हैं, बाल बच्चा के भी। और जो नेतागिरी जो करती हैं, फील्ड में जाती हैं, एमएलए एमपी बनती है, एमएलसी बनती है, राज्यसभा बनती हैं, तो क्या ये अपमान नहीं है? कहते हैं महिलाओं के कि घर में रहिए, घूंघट में रहिए। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अश्विनी चौबे के ट्वीट का भी जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि चौबे जी, घूंघट वाली महिलाओं से इतनी नफरत और भय क्यों? क्या यही है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिला सशक्तिकरण? ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप जैसे चौबे छब्बे और दुबे की पितृसत्ता से सूबे को हमने छुटकारा दिलाया, तो उसकी पीड़ा आपके बयान में नजर आ रही है। इतना बेशर्म मत बनिए। और पटना से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, जाहिर तौर पर यह बयान जो अश्विनी चौबे ने दिया है, इसके बाद कड़वाहट काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि राबड़ी देवी ने जिन शब्दों में हमला बोला है वो बताता है कि यह विवाद अभी थमने वाला नहीं है। शायद हो सकता है कि इसमें और लोग भी जुड़ते चले जाएं। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी यहाँ पे तेज है। जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती जा रही है, चुनाव का चरण जो है आगे बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी में तल्खी भी बढ़ती जा रही है। और इसकी जो ताज़ा तस्वीर देखने को मिली बयानबाजी की, अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर राबड़ी देवी ने भी पलटवार किया है और तीखे हमले किए हैं। और सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बातें बीजेपी करती है और उसके खिलाफ उसके इतर जो है वो बयान आते हैं, और सीधा कहा है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जब अश्विनी चौबे कैंपेन को लेकर क्षेत्र में जाएंगे तो इसका जवाब महिलाएं देंगी। बल्कि इससे दो कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके का रवैया और बयान रहा है अश्विनी चौबे का, उसका जवाब कुछ अलग तरीके से महिलाएं जो है वो देंगी। तो जाहिर तौर पे बयानबाजी जो है वो तेज है। इसके अलावा कई और दूसरे भी बयान आज आए हैं और कल, आज और कल के बीच में, जो कि उसकी भर्त्सना एक दूसरे राजनीतिक पार्टियां जो है वो कर रही है, और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है इस दरमियान। और इसी कड़ी में राबड़ी देवी ने भी बड़े तल्ख लहजे में घरेलू महिलाओं का अपमान बताकर, उनके बारे में जो कहा गया उसे पूरे देश की महिलाओं से जोड़कर तीखा हमला किया है। दरअसल रजनीश, वो चाहते थे अश्विनी चौबे राबड़ी देवी को यह सलाह देना कि वो ज्यादा बयान न दें, लेकिन क्या लगता है कि बोलते बोलते शायद उनकी जुबान फिसली और उन्होंने खुद आफत मोल ली अपने लिए?
निश्चित तौर पे। और दूसरी बात, राबड़ी देवी पिछले जब से वो राजनीति में आई हैं, शुरुआती दिनों में और आज की राबड़ी देवी में जमीन आसमान का अंतर है। और कोई भी सवाल का जवाब वो बहुत ही सधे हुए अंदाज में, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर बाइट के दरमियान हो, बहुत सधे हुए अंदाज में अब वो बयान देती है। तो जाहिर तौर पर इसको उन्होंने कोरिलेट किया है और ये कहा है कि जो घरेलू महिलाएं हैं उसे कमतर ना आके, और जिस तरीके से बयान दिया गया है इससे महिलाएं अपमानित हो रही हैं, इसको सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण से जोड़ा है और उल्टा पलटवार किया है कि क्या अपने घर की बहू बेटियों को वो घूंघट में रहने की सलाह देंगी, सवाल खड़ा किया है। और उनके पार्टी यानी बीजेपी की पार्टी की महिलाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है और इस तरीके से घेरने की कोशिश की है और कई सवाल उठाए हैं। आपने सही कहा कि राबड़ी देवी वो पहले वाली राबड़ी देवी नहीं है जो इस तरह के बयानों को सुनकर चुप लगा जाए, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ, जिस अटैकिंग मोड में आकर उन्होंने हमला बोला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कितनी आक्रामक थी राबड़ी देवी आज जी मीडिया से बातचीत भी जब कर रही थी। और दूसरी बात यह कि अश्विनी चौबे ने बोला वो महिला सशक्तिकरण के साथ, उन्होंने चूंकि चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि घूंघट में रहें तो उनके लिए बेहतर होगा, ये थोड़ा शायद नागवार गुजर गया सबके लिए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से बयान आए हैं इसको लेकर आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया आ रही है और साथ ही साथ राबड़ी देवी ने भी खुलकर इस बात को लेकर। रजनीश, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मृत्युंजय जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हैं, वो उन्हें हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, राबड़ी देवी ने कटघरे में करा किया है अश्विनी चौबे के बयान को और अश्विनी चौबे को, और साथ ही साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से पार्टी एक कैंपेन चला रही है, इन सारे सवालों पर सवालिया निशान उठाते हुए राबड़ी देवी ने कहा है कि बीजेपी में जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही है या फिर आगे बढ़कर काम कर रही है, तो क्या इन सबको लेकर अश्विनी चौबे क्या कहेंगे, क्या उन सबको घूंघट में रहने की सलाह देंगे। और घर परिवार की महिलाओं को लेकर भी कहा कि अश्विनी चौबे दूसरे के बारे में जिस तरीके से बयान देते हैं, तो क्या वो अपने घर की बहू बेटियों को भी घूंघट में रहने की बात कहेंगे। तो ये जो बयान है वो गले की फांस हो गई है और अश्विनी चौबे ने जो बातें कही थी इसको लेकर राबड़ी देवी ने कई सवाल खड़े किए हैं और तल्ख अंदाज में उन्होंने कई सवाल। मुझे भी लगता है रजनीश, शायद बीजेपी के दूसरे नेता जो है वो बैकफुट पर ही आएंगे इस बयान पर। कोई अश्विनी चौबे को डिफेंड भी नहीं करेगा बल्कि शायद वो अपने आप को पीछे खींच ले इस बयान से। कहीं ना कहीं मुश्किल में जरूर अश्विनी चौबे हैं इस बयान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।